हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आपने एक चीज नोटिस किया है, जब कभी भी ठंड का मौसम आता है तो अगर आप अपने गमले में पानी देने के लिए जिस भी पाइप का यूज करते हैं उस पाइप को अगर आप नल पे लगाते हैं और गमले तक लेके जाते हैं तो आपको वो पाइप बहुत ज्यादा हार्ड महसूस होता है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ रही होगी उतना ही ज्यादा पाइप वो हार्ड होता जाता है और उससे फिर टूटने या क्रैक होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर यही पाइप धूप में रखा हो, गर्मी का मौसम हो, तो आप देखते हो कि पाइप कितना सॉफ्ट हो जाता है, इजिली रबर की तरह फैलने लग जाता है। और इन दोनों चीजों में अगर आप कंपेयर करें तो अगर हार्ड हुआ है तो उसको तोड़ना एक डंडे से मार करके भी आसान हो जाता है, लेकिन अगर सॉफ्ट है तो वो टूटेगा नहीं क्योंकि वो इलास्टिसिटी कहां से फ्लक्चुएट हो जाएगा। यही एग्जांपल आप अपने साथ अपने स्किन के केस में भी देख सकते हैं। जब ठंड का मौसम आता है तो आपकी स्किन रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है और उसमें क्रैक्स नजर आते हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल स्किन हो, चाहे वो आपके एडी का हो या फिर आपके लिप्स हो या फेस हो। जब ठंड पड़ती है तो उनमें खिंचाव जनरेट होता है और खिंचने कारण से उनमें क्रैक नजर आते हैं। ये अगर आप जल्दी से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्रैक बढ़ते जाएगा और आपके एडियो में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है और वैसा ही बॉडी के दूसरे पार्ट में भी देखने को मिलेगा। ठंड के समय में हमारी जो स्किन है वो अपना मॉइस्चर और लस्चर दोनों खोने लगती है, तो फिर उससे प्रिवेंट करने के लिए आप तरह तरह की चीजों का यूज करते हो। मैक्सिमम उस समय बॉडी लोशन का जो सेल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, कई लोग नेचुरल तरीके से प्रिपेयर किया गया ऑयल भी यूज करते हैं, तो ये दोनों चीजें अच्छी हैं, आपके स्किन के लिए सूद करने का काम करती हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो कुछ हद तक आपके जो प्रिजर्वेटिव हैं, जो कॉस्मेटिक्स के लिए यूज किए जाने वाले फ्रेग्रेंस हैं या कोई और सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, वो भी उसमें मिला हुआ होता है, एक्सेप्ट उन चीजों की जो नेचुरली प्रिपेयर किए जाते हैं, घर में प्रिपेयर करने वाले ऑयल हो या कुछ हर्बल ब्रांड के आपके बॉडी लोशन क्यों ना हो, उनको छोड़कर के मैक्सिमम में आपको केमिकल रहता है। तो उसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा तो होगा ही क्योंकि उसमें आपको स्किन को मॉइस्चर करने की एक्टिविटी है, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। इन सब चीज से ओवरकम करने का एक सिंपल सा रास्ता है मेरे पास। आज मैं एक इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, यह मर्लिन नेचुरल का कोको बटर। जी हां, कोको बटर, आपने इसके बारे में सुना तो होगा। मैंने काफी सारे बॉडी लोशन में इस कोको बटर का यूज किया जाता है, लेकिन वहां पर यह कोको बटर एक इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता है। बट आज इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, यह खुद अपने आप में होल सोल प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें कोई और एडिटिव नहीं है, ये कोको बटर ही एक प्रोडक्ट है। मैं क्या कह रहा हूं आपने समझना, बाकी प्रोडक्ट में ये एक पार्ट के रूप में रहता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में खुद ही एक पार्ट नहीं बल्कि पूरा पूरा जो सैंपल है, प्रिपरेशन है, वही ये है। तो इस कोको बटर का यूज आप कहां पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगा? जब कभी भी आपकी स्किन आपको रफ लगे, चाहे वो ठंड का मौसम हो या फिर कभी भी कोई नेचुरल मौसम हो, हमने काफी सारे सैनिटाइजर यूज किया अपने हाथ पे, तो आपने कभी महसूस किया होगा कि आपका हाथ थोड़ा सा रूखा रूखा हो गया हो, ऐसे केस में या फिर आप जब प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही हो और स्टेज मार्क का आपको डर सता रहा हो, तो वहां भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, जिम जाने से मसल जो है एक्सपांड रिलैक्स होती है, उस समय भी थोड़े से स्ट्रेच मार्क जनरेट हो सकते हैं, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होने के बाद नहीं, होने से पहले जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएं जिम पे या प्रेगनेंसी का फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर हो रहा हो तब से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर आपको बेनिफिट मिलते रहेगा। असल में जो कोको बटर है वो एक प्रकार से एक फिल्म फॉर्मिंग एजेंट का काम करता है। इसके काम करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है। जब हम इसे रब करके अपने बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई करते हैं तो ये आपकी बॉडी के पार्ट यानी कि स्किन और एटमॉस्फेयर में पड़ने वाले ठंडी हवाओं, इन दोनों के बीच में एक बैरियर यानी कि एक फिल्म का काम करता है। इससे क्या होता है, इससे जो स्किन का मॉइस्चर है, लस्चर है, वो लॉक हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता और ऊपर के आने वाली ठंडी हवाएं इसको ड्राई नहीं कर पाती क्योंकि दोनों के बीच में ये एक कवर का काम कर रहा है। जैसे किताबें, आप किताबों को बचाने के लिए उसके ऊपर कवर लगाते हो, चाहे वो पेपर का कवर हो, चाहे वो लेमिनेटेड कवर हो, तो ऊपर से आने वाले धूल, पानी, डस्ट, पसीना, ये आपके बुक को बचा के रखता है कवर, वैसे ही ये आपके लिए काम करता है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो नेचुरल तरीके से प्रेजेंट विटामिन ई है वो आपके स्किन तक जाता है। और आपको तो पता है विटामिन ई आपके स्किन के लिए कितना यूजफुल है। आप तो विटामिन ई के कैप्सूल को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, फेस पैक में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं। ये नेचुरल तरीके से मिलने वाला विटामिन ई है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये अपना एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट शो करेगा स्किन पे, जो हो सकने वाले चांसेस हैं उम्र के हिसाब से रिंकल, झुर्रियां, झाइयां, इन सब को होने से पहले थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल जीरो कर देता है, ये होने के चांसेस को डिले करता है, यानी कि एजिंग को डिले करता है। जो चीजें 3 दिन में हो सकती हैं उसको सकता है 30 दिन तक टाल दे, एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपके लिए ये काम करता है, आपके अपनी हथेलियों पे, पैरों की एड़ियों में जहां पे फट रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद, तरीका तो ये कहता है कि आप अपने पैर में अगर फट रहे हैं अंगूठे या फिर एड़ियां,
तो आप इसको गुनगुने पानी में थोड़ी देर डुबो के रखिएगा, अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद टॉवल से पोंछने के बाद आप इस तरह की क्रीम को, कोको बटर को या फिर इस तरह के जो एक और बटर मैंने आपको बताया था शिया बटर, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके स्किन के ऊपर एक फिल्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और मॉइस्चर जो है मेंटेन रहेगा, लस्टर जो है आपके स्किन का जो टोनिसिटी है वो भी अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन की बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। ये प्रोडक्ट है मर्लिन नेचुरल का। इसके ऊपर और भी प्रोडक्ट मैंने आपके लिए वीडियो बना करके लाया है। एक प्रकार से कह लीजिए कि आपके लिए पूरी श्रृंखला जो है इस प्रोडक्ट की उसको धीरे धीरे करके लेकर के आया हूं। अगर आपको इससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट परचेस करने हो, चाहे आपका कोका बटर हो, चाहे आपका शिया बटर हो, एक्टिवेटेड चारकोल हो, टर्मरिक का टैबलेट हो या कोई और अदर डाइटरी सप्लीमेंट हो जिनके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप चैनल के अंदर जाकर के जितने भी प्रोडक्ट उनको एक्सप्लोर कर सकते हो और पसंद आए तो उसे आप परचेज कर सकते हैं। ये जो कोको बटर है आपकी डेफिनेटली यूज करेगा, मदद करेगा। बस ठंड का मौसम आने दीजिए, फिर देखिएगा इसका चमत्कार कैसा बेनिफिट करता है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है, कोई रेक्टिफिकेशन इसमें अलग तरीके से नहीं किया गया, नेचुरल तरीके से प्रिपेयर किया गया ये कोको बटर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे और आपको बेनिफिट लगेगा। बाकी आप जैसा सही समझें अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।